Hello guys, so let me introduce myself. My name is Shubham Jimna. I am from Himachal Pradesh. I am a student of Poltava State Medical University. I am doing MBBS in abroad. So in this video, I discuss my experience about MBBS in Ukraine. I tell you everything about a university, about a state, about markets or Ukrainian culture. Nowadays, MBBS in Ukraine is very good option for medical aspirants, and our PSMU is one of the best university in Ukraine. Okay, I see our previous 2 year university MCI and CROC result is going very well, and this university MCI passing ratio is 61%. That is our university, Poltava State Medical University, rank one in Ukraine. And in this university, some people say many things here. Some Russian language also teach, but there is no Russian system that 3 years in English and 3 years in Russian languages. All the year we study in English, and Poltava State is less expensive other states like Kyiv, Lviv, and Odessa. And our Poltava state near to the airport and railway station. It is easiest for a traveling in some states like everything. So I introduce my friend Mujassim Raza. He is from Bihar. Yes, I am from Bihar, India. And my name is Mujassim Raza. And I am studying in Poltava State Medical University. अगर यूनिवर्सिटी के बारे में कहा जाए तो मैं एक सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ जो मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ पोल्टावा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में। और इस यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी जो एक एमसीआई रेशियो है 67% जो शुभम जंगा ने आपको बताया, ये एक्चुअली में एक अच्छी मेडिकल कॉलेज है जहाँ पे एमसीआई रेशियो भी हाईएस्ट है इस कॉलेज की। और इस कॉलेज की सबसे बेस्ट है कि चीप एंड बेस्ट है, यहाँ से फैकल्टी बहुत अच्छे एक्सपीरियंस फैकल्टी हैं जो आपके अच्छे तरह से एक्सप्लेनेशन करते हैं एनाटॉमी के बारे में, फिजियोलॉजी के बारे में, एम्ब्रायोलॉजी के बारे में, हिस्टोलॉजी के बारे में। वो एक तो आपको पैटर्न क्रॉक एग्जामिनेशन की भी प्रिपरेशन करवाते हैं और उसके बाद वो एमसीआई का भी आपको प्रिपरेशन करवाते हैं ताकि बच्चे दोनों में सक्सेस कर जाएं। ऐसे नहीं कि क्रॉक आप पास करें और जाके इंडिया में आप एमसीआई के लिए नहीं कर पाए। अभी तो फिलहाल एमसीआई को हम नेक्स्ट ईयर से वहां पे रिप्लेस करके नेक्स्ट एग्जामिनेशन आएगा जो इसका भी प्रिपरेशन के लिए यहाँ पे जहाँ पे हम लोग को प्रोवाइड करते हैं वो लोग एक इंस्टीट्यूट एक क्लासेस प्रोवाइड करते हैं ऑनलाइन क्लासेस ताकि बच्चे को कोई भी डिफिकल्टीज नहीं हो। आई थिंक द क्लाइमेट इन दिस कंट्री इज गुड। ओके, यस, क्लाइमेट इज आल्सो गुड इन कंट्री। -20 degrees Celsius या -70 degrees Celsius जहाँ पे लाइक इंडिया, या लाइक इंडिया जैसा इंडिया में होता है क्लाइमेट, मतलब विंटर का भी होता है एंड समर भी होता है, मतलब यहाँ पे दोनों यहाँ सबसे अच्छी प्रोवाइड तो है कि इतनी अच्छी क्लाइमेट है, मतलब कुछ डिफिकल्टी जो होती है कि मतलब कुछ बोलते हैं कि यार इधर मतलब कोल्ड बहुत ज्यादा है ऐसा नहीं होता है, कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोल्ड नहीं है। -17 degrees Celsius जहाँ पे आप कहीं भी जाए, आप कहीं भी ट्रेवल करेंगे आपको वहां पे हीटर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आप अगर इंस्टीट्यूट में है, यूनिवर्सिटी में है, आप अगर हॉस्टल में भी हैं, अगर आप बस के थ्रू भी यूनिवर्सिटी जा रहे हैं तो आप कहीं भी ट्रेवल कर रहे हैं इन यूक्रेन में अगर देखा जाए तो आपको ठंड नहीं लगेगी। सो व्हेन वी टॉक टू मुजस्सम रजा, वी फाउंड दैट देयर इज नो क्लाइमेट प्रॉब्लम इन यूक्रेन एंड नाइदर अ लैंग्वेज प्रॉब्लम और नोर करप्शन, बिकॉज इन दिस यूनिवर्सिटी आई सी here no corruption, no corruption in this university. So this is a good review of the Poltava State Medical University. So I think PSMU, that is Poltava State Medical University, is a good university. Okay Mujassim, can you tell me how your admission process started? It's difficult or easy for you? No, difficult. First of all, I say a student, admission process is not difficult, it is easy for admission for Poltava State Medical University. आपको अच्छे तरह से प्रोवाइड करेंगे कि इन्विटेशन लेटर निकालेंगे, पासपोर्ट आपको आपको
बनाना है, फिर वीजा लगेगी, फिर आप डायरेक्टली उसके थ्रू से आप आए यूक्रेन और आपकी एडमिशन होती है, और जो भी आपका प्राइस है, जो भी आपका पैकेज है, यहाँ का भी एक तो फर्स्ट लेस एक्सपेंसिव तो है नहीं और इतना कोई करप्ट भी नहीं है, आपकी डायरेक्टली एडमिशन होती है। और जहाँ तक बात की जाए कि यूक्रेन की जो स्टडी है पुतावा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की, तो जहाँ तक 2 साल में देखा गया है कि यहाँ पे जो भी एमसीआई रिजल्ट की रेशियो है, चाहे वो क्रोक की है, चाहे वो अदर एग्जाम है जैसे यूएसएमएलई वगैरह, तो उनकी रेशियो भी अच्छी आती है। तो मतलब दिस इज अ बेस्ट ऑप्शंस। एंड जो पुलतावा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, ये जो आपका जो बेसिक लेवल से मतलब यूएसएमएलई तक प्रिपेयर करवाता है, तो ये जो ज्यादा मतलब ये है कि एमसीआई को भी आप इजिली क्रैक कर पाओगे, क्योंकि अगर यूएसएमएलई की जो प्रैक्टिस है वो पुलतावा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी करवा रही है, तो एमसीआई तो आराम से हो जाएगा। ओके, मैं इसके बारे में कहना कुछ चाहता हूँ कि अगर आप कह रहे हैं कि एमसीआई की बात, मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ कि जो पिछले साल भी स्टूडेंट और इस साल का भी स्टूडेंट एमसीआई रेशियो बहुत बेस्ट स्टूडेंट क्रैक कर चुका है, एमसीआई पासिंग रेशियो है, और एमसीआई पासिंग रेशियो के बाद वो इंडिया में भी इसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आराम से वो इजिली फॉर एनी प्लेस टू प्रैक्टिस। और जो पुलतावा है, पुलतावा स्टेट की जैसे बात की जाए, तो यहाँ पे मतलब अच्छी स्टेट है, मतलब इतना एक्सपेंसिव भी स्टेट नहीं है, आराम से हम मैनेज कर सकते हैं, आराम से यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब दिक्कत नहीं है। मतलब एक्चुअली होता क्या है कि अगर आप जाएंगे कहीं भी अदर स्टेट देन पुलतावा, दीज आर वेरी एक्सपेंसिव स्टेट्स, वेरी एक्सपेंसिव, वेरी एक्सपेंसिव। कोई भी चीज अगर आप बाय करते हैं कोई कहीं से भी, वो बहुत एक्सपेंसिव होता है। बट और इतना है यहाँ पे, जैसे पुलतावा स्टेट की बात की जाए, तो मतलब यहाँ पे आराम से 100 या $150 में पूरा का पूरा महीना आपका निकल जाता होगा, यानी आराम से 5 से 10 हजार में पूरा खाना खुना का सब कुछ निकल जाता है। और ये जो यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पे इंडियन मेस अवेलेबल है, मतलब वो अच्छा खाना देती है, एकदम हाइजीन खाना होता है इधर का। जैसे मेस की बात की जाए, आपने भी मेस लगवाई होगी तो आपको पता ही होगा, है ना। और इस यूनिवर्सिटी की मैंने ये बात देखी है, यहाँ पे जब हम नए नए आए थे, तो मतलब आपका जो बैच आया था, तो यहाँ पे एक स्टूडेंट था, उसको शायद स्टोन था, ठीक है। तो अगर वो स्टोन की प्रॉब्लम लेके इंडिया जाता, तो उसका 1 साल बर्बाद होने से बच गया, क्योंकि यहाँ पे जो पूरा का पूरा उसका ट्रीटमेंट किया गया, पूरा ट्रीटमेंट किया गया। मैंने ऑलरेडी देखा कि मेरा एक फ्रेंड था, वो मेरा एक दोस्त था, कि वो मेरे ईयर में था, इसको स्टोन हो गया था, मतलब कि किडनी स्टोन हो गया था, तो कुछ ज्यादा पेन हो रही थी, और यूनिवर्सिटी तुरंत रिस्पॉन्स दिया, और उसका जो भी ट्रीटमेंट हो यूनिवर्सिटी प्रोवाइड किया गया है। और डॉक्टर जेस कारून, इसे बोला गया कि इसका नेसेसरी है और ऑपरेशन का, तो एक साल बच के मतलब यहाँ पे इसमें गुड है, मतलब हेल्थ, चाहे वो आपकी हेल्थ प्रॉब्लम आती है, कोई भी दिक्कत होती है, तो मतलब एक आप डायरेक्टली चेकअप करवा सकते हैं, डायरेक्टली चेकअप करवा सकते हैं, आपको कोई भी फी नहीं है और कोई भी डिफिकल्ट नहीं है कि एक्चुअली अगर मुझे कोई बीमारी हो जाए, अब मैं इंडिया कॉल करूँ, नहीं मुझे बीमारी में जाना हो, मुझे जाना है, इसमें आपको तो वेस्ट टाइम होगा, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। ओके, थैंक यू फॉर दिस रिव्यू। एंड पुलतावा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी इज द बेस्ट यूनिवर्सिटी आई थिंक, बिकॉज हियर नो प्रॉब्लम अबाउट द नोर एनी करप्शंस, और जैसे कि मेडिकल हेल्थ की प्रॉब्लम भी नहीं आती है इधर, मतलब जो भी है दिक्कतें हैं वो आराम से सुलझाई जाती हैं, तो इट्स अ बेस्ट स्टेट और अ बेस्ट यूनिवर्सिटी इन यूक्रेन। थैंक यू वेरी मच। वॉन्ट टू बिकम अ स्पेशलिस्ट डॉक्टर? Meet our doctor or WhatsApp to Dr. J.S. Kalo for Best Government Medical University Abroad. Co-founder of MD Genius Multi-Speciality Hospital and MyoMD Education Group. MyoMD Education Group is the official and exclusively representative of Poltava State Medical University.
get a full team of our doctors throughout your MBBS journey. Guidance for MCI, NEXT, PG residency program in Germany during your MBBS. Get US MLE exam guidance only by qualified doctors team. Dear future doctors, get everything under one roof throughout your full MBBS and MD/MS journey. Thanks for watching. Don't forget to subscribe and press the bell icon.